लेकिन हम इस वक्त मौजूद है सलाना शहर के अंदर और हमारे साथ मौजूद है एक रूहानी फैमिली। आपको मिलवाते हैं, मजे की बात यह है कि ये उर्दू भी जानते हैं, हमें अरबी का तरफ करना भी नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं और आपको मिलवाते हैं जरा आप रूहानी भाई से और इनसे पूछते हैं क्या नाम है इनका और पाकिस्तानियों के बारे में, खासकर पाकिस्तान के बारे में इनकी क्या असर सुना है। ये सईद भाई है और मैं तो तकरीबन जब बात करता हूँ तो अरबी, लेकिन वो मेरे जबान के ऊपर भी वही चल रही थी तो भाई तो हमारे उर्दू जानते हैं। सईद भाई आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? अच्छा, ये सईद भाई जो है माशाल्लाह हुकूमत में जॉब करते हैं, तो आपका क्या जो पाकिस्तान यहाँ पर काम करते हैं और माशाल्लाह भी आप देखें पिछले दिनों पाकिस्तान नेवी ने दो रूहानी भाइयों को रेस्क्यू किया था और मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि एक भाई ने दूसरे भाई को रेस्क्यू किया। तो पाकिस्तानियों के बारे में माशाल्लाह पाकिस्तान के बारे में आपके क्या तस्वुरात हैं? हमारे सईद भाई जो है माशाल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन है और बात करने का अंदाज भी कैमरे के आगे पहला बंदा मैं देख रहा हूँ जो धड़ल्ले से बात कर रहा है और फिर उर्दू में बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इनका कहना है कि जो पाकिस्तानी भाइयों ने रूहानी भाइयों को बचाया तो वो एक भाई ने दूसरे भाई को बचाया। ओमान और पाकिस्तान ये दो भाई है, अफवान अल मुस्लिमीन है, पाकिस्तानियों की जान ओमान के लिए हाजिर है और ऐसे ही जो रूहानी भाई है उनका नज़रिया पाकिस्तानियों के बारे में बिल्कुल वैसे ही है, वो कहते हैं हमारे भाई हैं बिल्कुल और पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। तो ये सईद भाई थे, इनसे आपकी मुलाकात करवाई, आइंदा किसी और प्रोग्राम में किसी नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे। एस एम नकवी, सलाला शहर, ओमान।